सुधीर चौधरी से लेकर नाविका कुमार के इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के जमाने के कोयला घोटाले का जिक्र तो किया, लेकिन अपने ही मंत्रालय के घोटाले पर बोलना भूल गई। ना ही सुधीर चौधरी और नाविका कुमार ने सवाल पूछा कि आपकी नाक के नीचे अल्पसंख्यक मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति में करीब 145 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। देश के 34 राज्यों के 100 जिलों में की गई जांच में कई राज्यों में फर्जी लाभार्थी, कागजी संस्थान और नकली नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। 1572 संस्थानों में से 830 यानी 53% कागजों पर ही चलते पाए गए। सिर्फ 5 साल में इन संस्थानों में करीब 145 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय में इस घोटाले पर खुद स्मृति ईरानी ने सीबीआई को शिकायत करके जांच सौंपी है। स्मृति ईरानी इस बात का क्रेडिट ले सकती है कि मैंने खुद घोटाले पर एक्शन लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 साल तक घोटाला चलता रहा और स्मृति ईरानी सोई रही। राहुल गांधी को ट्रोल करने की बजाय अगर स्मृति ईरानी ने अपने मंत्रालय के काम पर ध्यान दिया होता तो शायद इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। पीएम मोदी, स्मृति ईरानी सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने 2019 चुनाव में मैं भी चौकीदार हूं का नारा दिया था और कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन कैसे चौकीदार हैं, कितने बड़े घोटाले हो जाते हैं और बीजेपी के मंत्री तमाम इंटरव्यू में पुरानी सरकारों के ही घोटाले गिनाते रहते हैं। आप स्मृति ईरानी के मंत्रालय में 145 करोड़ के घोटाले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।